यो तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इट्स गेमिंग व्यू 10.2। एंड यार आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ अपनी सर्वाइवल सीरीज में। यार तुम लोगों को याद होगा पिछली बार मैंने अपनी ये फुल डायमंड आर्मर बनाया था और थोड़ी बहुत मतलब शॉर्ट्स हो गई, जैसे कि पिक्सेस हो गई, इस तरह का कुछ बनाया था। बट आज मैं यार फाइनली विलेज ढूंढने वाला हूँ। तो क्या किया है ना, अपनी इंचाइनमेंट वगैरह भी करनी है ताकि हम ट्रेडिंग हॉल बना सकें, विलेजर से इंचाइनमेंट ले सकें जितनी भी है। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जाके लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ओके गाइस, यार गेम में आ चुके हैं। एंड यार तुम लोग सामने देखो क्या लुक लग रही है यार, रात को एकदम वीआईपी किस्म का मॉल हो रहा है। देख तो सामने बादल पूरा अंधेरा, तारे वगैरह दिख रहे हैं, बट यहाँ से हमारा फार्म क्या दिख रहा है यार। और सबसे पहले तो सो जाते हैं, इससे पहले मॉब आके हमें दिन में मतलब रात को तारे दिखा दें। तो यार मैं आर्मर यहीं रखा है ना, ओके सबसे पहले यार सोते हैं, उसके बाद सुबह उठ के अपना आर्मर पहनेंगे। ओके गाइस गुड मॉर्निंग। एंड सबसे पहले यार अपना आर्मर निकालते हैं, वो भी डायमंड वाला आ जा। ओके ये भी, एंड बूट्स तुम भी, ये भी जितना भी सामान है ना ज़रूरत कभी मैं निकालने वाला हूँ। और मुझे शायद से मतलब वीट वगैरह भी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर आना। ओके सबसे पहले यार आर्मर ही पहनते हैं ताकि अपनी लुक देखते क्या लग रही है यार। ओके यार डायमंड आर्मर से अब सेफ्टी तो मतलब फुल है, ऐसा है ना मतलब कोई मॉब नॉर्मल हमें तरीके से मार सकता। एंड भाई मेरी वाटर बकेट कहाँ गई, कहीं तो रह गई, शायद नीचे से लेके आनी पड़ेगी। एंड भाई क्रीपर वगैरह कोई मत होना, मैं अपने वाटर बकेट लेके चल रहा हूँ। यार मुझे लग रहा है यहाँ पर फैंस मुझे डबल करने पड़ेंगे, देखो सिंगल से ऐसे क्रीपर यहाँ खड़ा हुआ, मैं नॉर्मल काम कर रहा हूँ, यहाँ पर फट सकते क्रीपर, तो मुझे यहाँ पर डबल फैंस करने पड़ेंगे बाद में। एंड थोड़ी बहुत प्लैंक्स निकाल लेते, क्या है ना यूज़ में आती है थोड़ी बहुत डर्ट भी। एंड यार मुझे वो दो, अबे वो सामान कहाँ गया मेरी वाटर बकेट, ओके मिल गई। एंड यहाँ से मैं क्या उठा सकता हूँ, वो भी उठा लेते हैं, थोड़े बहुत एरो जितने भी हैं वो उठा लेते हैं। अबे एरो गायब, ओके अभी मुझे लगा एरो गायब हो गए। बट आज हम जाने वाले हैं सीधा विलेज ढूंढने, क्योंकि अब तुम लोग को पता है जैसे कि अपना आर्मर तो बन गया बट इसको इंचैंट करना रहता है, तो हमें सबसे पहले विलेजर्स वगैरह वाला विलेज ढूंढना पड़ेगा नॉर्मली, ताकि हम विलेजर्स वगैरह वहाँ से ला सकें। तो उसके लिए मुझे ट्रेडिंग हॉल वगैरह बनाना है, बट मैं सोच रहा हूँ ट्रेडिंग हॉल वगैरह वहाँ बनाऊँ अभी नहीं, सबसे पहले तो हमें विलेज ढूंढने जाके। तो जल्दी से चलते हैं यार, सारा सामान एकदम रेडी है ना, थोड़ा बहुत फूड वगैरह रख लेते हैं, पता नहीं यार विलेज कहाँ पर हो। तो जल्दी से काम करता हूँ सारा ना तोड़ लेता हूँ एक बार, हाथ खाली कर लो। ओके यहाँ से अब जाके गेट खोलता हूँ, सारी सारी वीट तोड़ते हैं एकदम यहाँ चल के, लेट्स गो भाई स्पीड में, फुल स्पीड में काम करना है। तो ओके गाइस फाइनली यार तुम्हारे भाई ने पूरी की पूरी फीट तोड़ दिए, और यहाँ पर दोबारा सीट लगा दी क्योंकि भाई आगे का कोई भरोसा नहीं कब भूख का खाएगा, मतलब काम खत्म हो जाए। तो हम यहाँ से अपना वीट वगैरह का बंदोबस्त करते हैं, एंड गेट बंद हो जाए। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सीट्स फालतू हैं, तो मैं सोचता हूँ उसके लिए बाद में ना अच्छे से कंपोस्टर लगा के वगैरह बना दें ताकि मेरे पास बोन मिल का बंदोबस्त हो जाए। तो अभी जल्दी से चलते हैं ऊपर, और एक नीचे क्राफ्टिंग टेबल भी रखनी है। अजीब सा लग रहा है घर, मतलब इतना भी बुरा मत बनाना घर को। तो यहाँ से सबसे पहले जितनी भी ब्रेड होती है ना उतनी बना लेते हैं। ओके अब मैं बोर्ड वगैरह रख लूँ क्या, एक बोर्ड भी बना लेते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए। तो बोर्ड को भी हम एक काम करते हैं यहाँ पर रखते हैं, बल्कि यहाँ रख लेते हैं। ओके तो ओके क्या चाहिए, एक बार सारा सामान देख लेते हैं। हाँ भाई एकदम ओके है, अब जाने के लिए हम एकदम रेडी हैं। बट अब कोई भी मुश्किल आ जाए ना विलेज तो हम ढूंढ के रहेंगे भाई। एंड यार मैं किस साइड को जाऊँ, इतने सारे रास्ते दिए हुए, यहाँ को जाऊँ कि वहाँ को जाऊँ कि वहाँ को जाऊँ, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ तो नहीं बायो मास्क किए, बट यहाँ पर पूरा ओशन है यार, तो मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए अगर मैं थोड़ा सा। हाँ यार ये देखो इस बायो में शायद से हमें विलेज मिल सकता है। ओके तो यहाँ पर अगर भाई, अरे भाई यहाँ पर तो बी का हुआ है, हनी बी का क्या बोलते हैं इसको यार, छोड़ो क्या बोलते हैं, बट अभी मैं विलेज ढूंढने करूँ तो विलेज ढूंढ कर ही जाऊँगा। और ये तो वहीं पर है जहाँ पहली माइन पे आया था मैं, लेट्स गो भाई यहाँ पर ही माइनिंग करने आ सकते हैं कभी भी हम। एंड भाई मुझे एकदम वो देखो कितने यहाँ पर बी के वो हैं। एंड भाई यार मैं क्या करूँ, कहाँ पर जाऊँ, सामने भी कुछ दिख रहा है बट मैं अपने रास्ते पे सीधा सीधा चलने वाला हूँ, चाहे कितनी देर हो जाए भाई, रात हो जाए, रात हो जाए, बैठ लेना तो भूल ही गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अबे सुनूंगा कहाँ पर, अबे यार बैठ लेना भूल गया, बट मुझे शीप को दोबारा मारना पड़ेगा। तो शीप
इधर आ जाओ जल्दी से। अबे भाई शीप आ गए ना, ये देखो शीप मिले तो ऐसे ही मिले। ओके आ जा, लेट्स गो, तुम भी आ जाओ। एंड भाई अब मुझे ढूंढना है विलेज, तो यहाँ तो जंगल वालों में पूरी। एंड थोड़े से सीट पड़े हैं क्या? ओके तोता एक टेम कर लेते, क्या है ना सर पे गाना गाता रहेगा तो मज़ा आ जाएगा। बट नहीं यार नहीं, मैं नहीं करने वाला, दिल तो जा रहा है। अरे यार बल्कि शोर करते रहेंगे और ज़ॉम्बी की आवाज़ें है करते रहेंगे, तो मैं इसलिए बिल्कुल भी कुछ करने वाला। ओके सबसे पहले खाना खा लेते यार। अब मैं चलने वाला हूँ सीधा ब्रेज ढूंढने। भाई कितना प्लेन एरिया है, जाकर बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम और भी चीज़ें बना सकते हैं। क्या है ना पूरा वर्ल्ड अपना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड भाई मुझे एक विलेज मिल जाओ, सिर्फ इतना सा तो बोल रहा हूँ। अब पता नहीं कितने दिन बीत जाएंगे यार मुझे विलेज ढूंढते ढूंढते। मुझे पता नहीं विलेज कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, डायलॉग हो गया। नाइस। बट यहाँ से मैं काम करता हूँ, ये शुगर कैन तोड़ लेता हूँ। क्या है ना कॉपी या पेपर, मतलब पेपर बनाने काम आएंगे सीधी बात। यहाँ से क्या होगा हम, और फिर सामने तो वो है ना ये जंगल, नहीं नहीं जंगल तो नहीं, ये तो डाक ओक वाले लग रहे मुझे। एंड वुडलैंड तो नहीं है भाई यहाँ पर, इतनी अच्छी किस्मत का है वुडलैंड है। एंड छोड़ो यार उसको, अभी मैं कॉन्सनट्रेट विलेज पे एकदम, मैं विलेज में ध्यान ऐसा वो रहे ना कि ना विलेज नहीं यार छोड़ो, विलेज बाद में ढूंढ लेंगे, बट आज कुछ भी हो जाए विलेज ढूंढ के जाना है। एंड शीप तुम इधर आओ, सबसे पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। ओके क्राफ्ट टेबल बन गई, अब इसको एक काम करते हैं यहाँ पर रखते हैं जल्दी से, यहाँ पर रखिए। अब बेड बना लेते हैं जल्दी से बगैर देरी के और सो जाते हैं फटाफट, इससे पहले कुछ ज़ॉम्बी वगैरह हैं और हमारा खात्मा हो, तो इन्हीं का खात्मा कर देंगे सुबह करके। एंड सो जा यार, अभी ज़ॉम्बी आ जाएंगे, कब सोएगा, रात तो हो रही है, फिर रात तो हो रही है, सूरज ढल रहा है, जल्दी कर। ओके फाइनली सो गए, अब मैं इनमें चलने वाला हूँ सीधा विलेज ढूंढने। तो मैं कहाँ जा रहा था, यहीं को जा रहा था ना। एंड भाई अब यार शुक्र मैंने बोर्ड रख ली थी भाई, क्या है ना तुम्हारे भाई को हर चीज़ का पता होता है कि क्या होने वाला है। मतलब देखो यहाँ पर हमने बोर्ड रखी, थोड़ा सा MLG फेल हो गई बट चलता है, खैर है। यहाँ से हमने थोड़ा सा गाड़ी को घुमाया, आप चलते हैं विलेज ढूंढने। ओके गाइस यार तुम लोग क्या बताऊँ, इतनी पहाड़ियाँ वगैरह चढ़नी पड़ी है ना, मतलब यार ये देख सकते तुम विलेज के लिए इतना मेहनत करना पड़ा, बट तुम्हारे भाई को अभी तक विलेज मिलने का नाम ही नहीं रहा, विलेज का वी भी नहीं मिल रहा। एंड यहाँ पर मकाओ देखा मैंने, ए जरा डर गया गाइस थोड़ा सा, क्या है ना डायमंड वायमंड आर्मर देख के डर गया होगा बेचारा, मार वार ना दूँ। एंड बायोम तो काफ़ी प्लेन है, बट यार मुझे वो करना है। एंड यार सबसे पहले मैं थोड़े से चेक कर रहा था मतलब प्रैक्टिस, तुम लोग को लग रहा होगा मैं जाम से गिरा हूँ, बट प्रैक्टिस समझ लो ताकि कभी आउट वगैरह होना हो कुछ भी हो सकता है। मतलब छोड़ो चलो काम करते हैं, विलेज पे ढूंढते हैं डायरेक्ट। एंड भाई यार विलेज भाई कहाँ छुप के बैठे हो तुम, तो एक काम करता हूँ जल्दी से यार मैं एक विलेज की तलाश करता हूँ। ओके काज यार मुझे विलेज तो नहीं मिला, पर तुम लोग देख सकते हो मुझे क्या मिल चुका है। एंड भाई यहाँ पर क्या डिस्ट्रॉय हुआ है, यहाँ पर क्या है, अर्थक्वेक वगैरह है क्या? तुम लोग को एक बार नीचे जाके दिखाता हूँ, क्या है ना प्रो लोग ये चीज़ें दिखाते रहते हैं, इससे असली बात नहीं होती। बट तुम लोग आयरन चेक करो कितना आयरन है यार, माइन तो अच्छी है, मतलब माइन क्या पूरी रवेन है। एंड भाई यार क्या बात है यार इसकी, तो भाई यार मैं देखो खामा खाई के चक्करों में पड़ रहा हूँ, मुझे विलेज ढूंढना है और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो क्या यार रात हो चुकी है, जल्दी से सो जाते हैं। एंड भाई यार मैं क्या बताऊँ, विलेज ढूंढ ढूंढ के हालत बुरी हो गई, बट विलेज का भी नहीं मिलने का नाम ले रहा। तो सुबह हो चुकी है, एंड भाई मैंने लामा के बच्चे को देखा था यहाँ पर, मैं सिर्फ एक चीज़ टेस्ट करना चाह रहा था कि अगर उसको मारो तो क्या ये चिल्लाती है, मतलब थूक फेंकती है। तो भाई यार इसका बच्चा तो गायब ही हो गया। शीप शीप का तो क्या काम करना है, बट दोबारा से शुरू होते अपने काम पे यार, विलेज ढूंढ ढूंढ की हालत बुरी हो रही है, बट विलेज मिलने का तो नाम ही ले रहा यार। एंड यार एक विलेज दे दो, एक विलेज हट 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 विलेज। ओह माय गॉड वाओ, ओ
कि गाइस यार फाइनली तुम्हारे भाई को यार विलेज मिल गया। इतनी दिन और मेहनत के बाद मुझे पता है काफ़ी टाइम लग गया, बट फाइनली यार हमें विलेज मिल गया। एंड ऊपर चढ़ अब विलेज तो ऐसा विजिट करूँगा ना। एंड आराम गारम बच्चे क्या कर रहे हैं बताता हूँ तुझे आगे, बट सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, पॉइंट पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि भाई मैंने इसलिए किया है ताकि मैं थोड़े दिन यहाँ पर रुकने वाला हूँ ना, मतलब क्या है ना, चेकिंग वेकिंग करनी है, लूट वूट करनी है, तो सबसे पहले मुझे सबके कर देने होंगे। हाँ इसमें तो कुछ नहीं है, एकदम बेकार किस्म के ना गरीब है सारे के सारे। इसमें भी चेस दिखी गाइस, कुछ अच्छा निकल रहा, डायमंड निकल जा, लेट्स गो भाई। एमरल्ड निकल गया, कोई बात नहीं रख लेते हैं इसको। एंड चेस को क्या रख के करेंगे, यहाँ पर भी एक चेस दे दो, नहीं है, सारे ऐसी हैं भाई। बट वो बंदा अच्छा था, वो मुझे लगा कुछ अमीर। अबे कितना छुपा के घर बनाया भाई, इसका घर लग रहा है मुझे तो। अभी ट्रेडिंग नहीं करनी तुमसे। एंड भाई तुम फायरिंग इंसान यहाँ के घूम रहे हो, कुछ काम वाम धंधा नहीं है क्या, क्या बोलूँगा इसको। बट छोड़ो अभी तुम, मुझे पूरी लूट मार मचानी है, मतलब मारना वारना नहीं है बट लूटना सब है। तो यहाँ से ऊपर आयरन कॉलम, हाँ बेटा बहुत बोल रहा था तू नीचे खड़े हो गया। ओके यहाँ बैठता हूँ, अब एक ही बजाता हूँ इसके, मारना मत प्लीज़, ले निकल, तंग करके रखा हुआ है। आयरन मिल गया, कितना आयरन मिला था चेक करते हैं। एंड कितना आयरन दिया, 3। ओके सक्सेस बंदोबस्त हो गया, बट यार रिंग स्टैंड भी है, ये सारा चीज़ काम करते हैं, लूट लेते हैं भाई। चेस्ट में आके रख देंगे, उस बंदे की चेस्ट थी ना उसमें आके रख देंगे, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा यार। अंकल आप क्या कर रहे हो इसके ऊपर खड़े हो गए, अबे भाई कैसे खड़ा हुआ है, पता नहीं ट्रेनिंग कर रहा है यार, कुछ कंग फू ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट चेस्ट दे दो यार एक प्लीज़, इतने दूर से आओ मत बोलना यार, जहाँ कोई चेस्ट नहीं है। एंड ये सस्पिशियस ग्रेवल है क्या, लग तो रहा है, बट इसके लिए मुझे झाड़ू चाहिए होगी। अबे कितना खाना है, ये देखो ये खाना, वो देखो वो खाना, भाई हर जगह खाना है, बट इनके पास कुछ भी सामान नहीं है, मुझे लग ही रहा था। सारे के सारे एकदम गरीब टाइप के, बिल्कुल बेकार आदमी है। एंड भाई जॉब कर रहे हैं पर सामान, जैसे ही बोला देखो चेस्ट निकली इसके पास से, एंड फालतू सामान हो गए, लेदर वाले घर है। बोला था यार खाना पीना तो है मेरे पास यार, अच्छी चीज़ चाहिए कोई, कोई अच्छी चीज़। एंड ओसिलॉट ये बहुत डरता है यार। एंड भाई यार कुछ भी नहीं मिल रहा, और भाई एक और चेस्ट, क्या सस्ता सामान है, इस सामान को तो मैं फेंकता हूँ, इनको ये देखो इनको दे दूँगा पहले बोल दे, इतना सामान फेंकूँगा ना पता चलेगा। क्या देख रहे चल, ओके गाइस इनका जितना भी सामान देख रहा हूँ ना वो सारा उठा लूँगा, बट मैं ये वाला घर लेता हूँ, क्या है ना सारा सेटअप कर लेंगे यहाँ पर, मतलब चेस्ट वेस्ट बना देते हैं। एंड जितना भी फालतू का, मतलब फालतू का क्या, जितना भी मुझे ले जाने वाला सामान है ना वो सारा, मतलब सारा यहाँ पर रख देंगे। एंड एक भाई मैं लेके ही घर से जाऊँगा बड़े सामान, सारा सामान जितना भी फालतू है ना यहाँ रख देते हैं, और आगे भी यार बात वगैरह में लूटेंगे क्या है ना, जितना भी सामान है सारा लूट के जाना, एक भी छोड़ना नहीं है। एंड विलेजर को भी उठा के ले आऊँगा बाद में, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग हॉल वगैरह के बनाना है। तो सारा सामान ओके, बट इतना हमारे यूज़ में। एंड ये सारा मैंने रख दिया अंदर सेफ्टी में, अब ये मेरा बेड है, मतलब मेरा घर है। अब यहाँ पर स्पॉन पॉइंट सेट कर लिया। ओके ओके गाइस फाइनली तुम देख सकते हो यार क्या लग रहा हूँ मैं यहाँ, बट मैं अपने आप को नहीं दिखा रहा, तुम लोग देख, तुम मेरे पूछे पूरा विलेज इतना बड़ा वाला। एंड भाई लड़ो मत पीछे यहाँ, गाय को मारा था पता नहीं कौन मारा था, बट छोड़ो देख तू क्या बड़ा विलेज मिला है, बट इसके अंदर से इतनी अच्छी लूट नहीं मिली जितनी मैं सोच के बैठा हुआ था। एंड सस्ता सस्ता सामान मिला जो मैं फेंकता हूँ, बट यार क्या है विलेजर्स मिल गए ना, काम हो गया हमारा। एंड इसको तो ये देखो कैसे भाग रहा है, इसको तो मैं सबसे पहले डायमंड आर्मर का बनाऊंगा, क्योंकि भाई आर्मर तो कभी भी टूटता है, एंडर ड्रैगन पास तो जाने से चल नहीं सकता। तो ओके गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।